नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और कमेंट बेस्ड वीडियो, दैट इज बेस्ड ऑन वैक्यूम प्रेशर। एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था, पूरा पूरा न्यूमेरिकल ही मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दिया था एक वीडियो के, कि सर एक प्रेशर गॉज है, सपोज अगर हम प्रेशर गॉज यूज करें, यानी कि क्वेश्चन आया होगा कहीं पे कि अगर प्रेशर गॉज यूज किया जा रहा है और ये प्रेशर गॉज मेजर कर रहा है, सपोज ठीक है ये प्रेशर गॉज है, ठीक है। अब दो टाइप के प्रेशर गॉजेस होते हैं, एक पॉजिटिव प्रेशर गॉज, ठीक है, एक होता है नेगेटिव गॉज प्रेशर। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि एक प्रेशर गॉज है जो मेजर कर रहा है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, और वो वैक्यूम प्रेशर कितना है, दिस इज वैक्यूम प्रेशर इज 5 किलो पास्कल, और एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमोस्फेरिक प्रेशर वो है 100 किलो पास्कल का। क्लियर हो गया? एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, एक प्रेशर गॉज है जो मेजर कर रहा है वैक्यूम प्रेशर 5 किलो पास्कल का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल का है। तो अभी हम एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं थोड़े जहन में आपके डाल देना चाहता हूं दिमाग में, कि दो टाइप के गॉज प्रेशर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव गॉज प्रेशर, एक होता है नेगेटिव गॉज प्रेशर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर देखिए, इसे फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, ठीक। कभी कभी एक चीज बताऊंगा, और चीज जो मैंने देखी है आज तक, ठीक है, जो काफी सारे डायल गॉजेस आते हैं, अगर आपने कभी ध्यान में देखा होगा, डायल गॉजेस क्या होते हैं, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर करना होता है तो उस प्रेशर को बोलते हैं पॉजिटिव गॉज प्रेशर। और काफी सारे जो डायल गॉजेस आते हैं कंपनी में ज्यादातर, क्योंकि पाइपलाइंस लगी होती हैं, फ्लूइड इधर से उधर जा रहा होता है, क्लियर हो गया, तो वो जो डायल गॉज में जो प्रेशर, यानी कि ज्यादातर पाइपलाइन के ऊपर जो प्रेशर गॉजेस लगे होते हैं, वो ज्यादातर मेजर करते हैं पॉजिटिव गॉज प्रेशर। बहुत कम मशीनें होती हैं जहां पे वैक्यूम प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि वैक्यूम पंप भी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो कुछ यानी कि गॉजेस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का प्रेशर मेजर करते हैं, जो नीचे का प्रेशर मेजर करते हैं उस टाइम पे, वो डायल गॉज को कहा जाता है, दैट इज कि वो मेजर करता है नेगेटिव गॉज प्रेशर। और डायल गॉजेस भी हम यही बोलेंगे कि वो वैक्यूम प्रेशर मेजर करने वाला है, जैसा कि इस केस में है, ठीक है। आजकल तो काफी यानी कि मीन्स काम हो गया है, यानी कि काफी सारी रिसर्च हो गई है कि ऐसे डायल गॉजेस आ गए हैं कि जिसमें वैक्यूम प्रेशर, और बोल सकते हैं यानी कि नेगेटिव गॉज प्रेशर, ज्यादा बात करूं मैं, वैक्यूम प्रेशर को नेगेटिव गॉज प्रेशर भी कहा जाता है, या फिर पॉजिटिव गॉज प्रेशर, दोनों एक साथ मेजर कर लिया जाता है, ऐसे आ गए हैं, ठीक है। तो ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो हम सॉल्व करेंगे हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब ये देखिए, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ओके। अगर आपने इस ग्राफ को समझा है तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस लाइन है, इसको बोलेंगे जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज योर जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके। एक लाइन होती है सपोज, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, एक लाइन होती है जहां पर हम खड़े हैं, कहां पर हम खड़े हैं, और हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, यानी कि ये है 100 किलो पास्कल का, कोई कंफ्यूजन, ये वाली लाइन जहां पे मैंने क्रॉस किया है, क्लियर हो गया, ओके। अब आप देखिए, मैंने क्या बोला कि ये हमारी एटमॉस्फेरिक की लाइन है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज अवर एटमॉस्फेयरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, दिस इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, ओके। अगर मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लेता हूं, को जीरो मान लेता हूं, वैसे तो ये 100 किलो पास्कल है, ठीक है, मगर कभी कभी क्या रहता है, इस प्रेशर को जीरो मान लिया जाता है, इसी लाइन को रेफरेंस लाइन ले लिया जाता है, यानी कि जीरो मान लिया जाता है। तो जब इसको जीरो माना जाता है, क्लियर हो गया, जब इसको जीरो माना जाता है और इसके ऊपर सपोज किसी ने मेजर किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी ने मेजर किया, दिस इज 20 किलो पास्कल गॉज। देखिए, मैं आपका इस तरह से दोनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक, ओके, 20 किलो पास्कल गॉज प्रेशर, 20 किलो पास्कल पॉजिटिव, एक्चुअली मैं यहां पे लिखना चाहिए 20 किलो पास्कल पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव लिखा नहीं है मैंने, पॉजिटिव गॉज प्रेशर, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, जब भी मैं पॉजिटिव गॉज प्रेशर लिखूंगा तो कहने का मतलब है, आप समझ जाइए कि ये जो प्रेशर मेजर किया जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में किया जा रहा है, उस टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान लिया गया है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव गॉज प्रेशर, यही बताता है कि ये किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, ये ऐसे मेजर किया जा रहा है, यहां पर है 20 किलो पास्कल पॉजिटिव गॉज प्रेशर,
और तब मैंने रेफरेंस लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया है और उस टाइम पर ये जीरो हो जाता है। मगर अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर कर रहा हूं इसी पॉइंट पे, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है जिसकी बात कर रहा था कि 20 किलो पास्कल पॉजिटिव गॉज प्रेशर ये है, ठीक है, ये मैंने जीरो, एक्चुअली मैंने जीरो इस लाइन को ले लिया था, ठीक है। जब मैं इसके रेस्पेक्ट में कोई भी प्रेशर मेजर करता हूं उसको बोलते हैं पॉजिटिव गॉज प्रेशर, और इस केस में पॉइंट ए कितना बताता है 20 किलो पास्कल पॉजिटिव गॉज प्रेशर। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं एब्सोल्यूट प्रेशर के हिसाब से मेजर करूं, ठीक है, तो इसी पॉइंट को अगर मैं ऐसे मेजर करूंगा ये कितना होगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये तो है हमारा, अब रेफरेंस लाइन मेरी ये हो गई है, तो यानी कि ये जीरो हो गया है, समझ रहे हैं। तो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, इसी ए पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, पहले यहां से लेकर यहां तक कितना है 100 किलो पास्कल, ये दिया हुआ है 100 किलो पास्कल प्लस योर 20, ये कितना हो जाएगा, इसी ए पॉइंट को मैं विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट प्रेशर के हिसाब से बोलूंगा, इसी ए पॉइंट को क्या बोलूंगा 120 किलो पास्कल एब्सोल्यूट प्रेशर। कंफ्यूजन तो मैंने काफी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक हमारी यूनिवर्सिटी में देखा था, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, जिसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन उल्टा है, मतलब इसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब आप जो मेजर कर रहे हैं दैट इज वैक्यूम प्रेशर, जिसको बोला जाता है नेगेटिव गॉज प्रेशर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब ये तो क्वेश्चन हो गया था कि जो भी प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मेजर किया जाता है दैट इज पॉजिटिव गॉज प्रेशर, मगर आपका जो क्वेश्चन है ये वैक्यूम प्रेशर से रिलेटेड है 5 किलो पास्कल, ठीक है। तो यानी कि ये वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव गॉज प्रेशर। नेगेटिव गॉज प्रेशर कब होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे कोई चीज, यानी कि रेफरेंस लाइन एब्सोल्यूट प्रेशर को नहीं लेना है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही लेना है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम जीरो मान लेते हैं, यानी कि रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब के रेस्पेक्ट में जब नीचे मेजर किया जाता है कोई भी प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं नेगेटिव गॉज प्रेशर, यानी कि वैक्यूम प्रेशर, समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखिए यहां पे 100 है, अब अगर मैंने इसको रेफरेंस माना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 100 किलो पास्कल छोड़ दीजिए, ये 100 किलो पास्कल अगर आप देखेंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर के रेफरेंस में है, तब इसको जीरो माना है तब ये 100 कहलाएगा। अब मैं इसको जीरो मान लेता हूं तो ये आएगा हमारा नेगेटिव, मैं काम करता हूं, मैं रीडिंग कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, ये आ गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80, ये हो गया 90, और ये हो गया हमारा 100 इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हो गया हमारा 100 बट नेगेटिव। अगर आप देखेंगे मैं नेगेटिव क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, और इसके नीचे कोई भी प्रेशर मेजर करता हूं उसको बोलते हैं नेगेटिव गॉज प्रेशर। तो यहां पर देखेंगे नेगेटिव 10, तो यहां पे मैं क्या हमेशा लिखूंगा गॉज प्रेशर, हर एक के साथ लिखूंगा नेगेटिव 20 गॉज प्रेशर। तो आपकी जो रीडिंग है वो ये किलो पास्कल, इसकी यूनिट जो है किलो पास्कल, तो ये कहीं यहां पर आती है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां पर जो आएगा नेगेटिव 5, कोई कंफ्यूजन, यहां पर आएगा थोड़ा सा मोटा दिख रहा है आपको, यहां पे मैं कर देता हूं ये, दिस इज योर नेगेटिव 5। तो ये है जब भी कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज अ रेफरेंस लेके इसके नीचे मेजर किया जाता है उस दौरान उस वैक्यूम प्रेशर को बताया जाता है नेगेटिव गॉज प्रेशर, आपकी रीडिंग यहां पे नेगेटिव 5 है, ठीक है। अब आप बताइए अगर आपको, ठीक है, तो इसको एक नाम दे देता हूं, सपोज ये नाम है, ये जीरो जो है ना, ये जीरो थोड़ा ऊपर दे देता हूं, ओके, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, ठीक है। अब देखिए क्लियर हो गया, तो आपने क्या मेजर किया है, आपके जो ये प्रेशर गॉज ने क्या मेजर किया, अगर आप देखेंगे तो ये इतना मेजर किया, ये मेजर किया, ठीक है, और आप पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो तब इसको एज अ रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये काम करता हूं मैं यहां पर करता हूं, ये एरो ठीक है वहां पर थोड़ा सा वो हो गया था, ठीक है, मैं दूसरा लेता हूं, ये तब आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा, हाँ ये देखिए क्लियर है। और आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये वो क्या बोलते हैं हमारा प्रेशर गॉज मेजर कर रहा था दैट इज नेगेटिव 5 किलो पास्कल, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये तो पूरा 100 है, यहां से लेके यहां तक पूरा 100 है, 100 में से अगर ये नेगेटिव गॉज प्रेशर माइनस करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा, ठीक, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बताया गया है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर मेरे को चाहिए तो रेफरेंस हमारा ये हो जाएगा, तो ये इस टाइम पे जीरो हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो मैं ऊपर बढ़ता हूं, जैसे जहां पे नेगेटिव 90 लिखा है वही मेरा 10 रहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव 80 है यानी कि प्लस 20, ठीक है, यहां पे नेगेटिव 70 है यानी कि प्लस 30, ओके, ये आ गया हमारा प्लस 40,
ये हो गया हमारा प्लस 50, ये हो गया हमारा प्लस 60, ये हो गया प्लस 70, ये हो गया प्लस 80, और ये हो गया हमारा प्लस योर प्लस 90, और ये जो है हमारा जहां पे नेगेटिव 5 था, दिस इज आवर प्लस 95. तो हमारा रेफरेंस लाइन ये हो चुका है. तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा आपका 95, ठीक है, 95 एब्सोल्यूट प्रेशर. तो ये कैसे फाइंड आउट किया, देखिए हमने क्या किया है, ठीक है, यहां से यहां तक आपका ये है. तो एक्चुअली मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है, ये यहां से क्या है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये नेगेटिव 5 था, ठीक है, तो पूरे में से ये छोटा सा माइनस किया आपको ये मिलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर, और तब रेफरेंस लाइन आपकी ये हो जाएगी. आई थिंक अब आपको ये मिल गया होगा दैट एब्सोल्यूट प्रेशर इज योर 95 किलो पास्कल. और इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, दिस इज यहां से यहां तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए मैं यहां पे लिख ही देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक काम करता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से क्या माइनस करेंगे आप, ये थोड़ा सा नेगेटिव गॉज प्रेशर, ठीक है, नेगेटिव गॉज प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगा, ये दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर, याद रखिएगा एब्सोल्यूट प्रेशर. तो आपको पहचानना है वहां पर, आई थिंक अब आपको ये मिल गया होगा मेरा क्या कहने का मतलब. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 100 किलो पास्कल, दिस इज योर नेगेटिव गॉज प्रेशर 5, दिस इज योर प्लस 95 एब्सोल्यूट, मींस यूनिट लिखना चाहिए, मींस यूनिट जरूरी है किलो पास्कल एब्सोल्यूट प्रेशर. तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है. और ये मैंने ग्राफिकली भी आपको रिलेट किया है कि इसी बी पॉइंट को जहां पर आपका प्रेशर गॉज नेगेटिव 5 किलो पास्कल बताता है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज अ रेफरेंस लाइन लिया हुआ है, क्लियर हो गया. मगर जब हम रेफरेंस लाइन हमारे इस एब्सोल्यूट प्रेशर को ले लेते हैं तो उसी बी पॉइंट को कहा जा सकता है 95 किलो पास्कल. दोनों सही है, मतलब एक पर्सन बोल रहा है कि हम कहेंगे इस बी पॉइंट को नेगेटिव 5 गॉज प्रेशर, नेगेटिव 5 गॉज, नेगेटिव 5 किलो पास्कल गॉज प्रेशर, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेजर किया और तब रेफरेंस लाइन इसी को लिया गया था, यानी कि तब ये जो 100 किलो पास्कल था किसके रेस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट प्रेशर के रेस्पेक्ट में, मगर अभी ये जीरो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में, ठीक है. तो यही पॉइंट नेगेटिव 5 तब नेगेटिव 5 किलो पास्कल गॉज प्रेशर कहलाएगा, और तब रेफरेंस लाइन हमारी ये है, तब ये जीरो एक्ट करेगा. मगर इस टाइम पे हमारा अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो आपकी ये रेफरेंस लाइन बन जाएगी, तो इसके रिस्पेक्ट में आप मेजर करेंगे. तो पूरे में से आपका नेगेटिव, मीन्स ये नेगेटिव 5 माइनस कर दीजिए, मतलब 5 माइनस किया एक्चुअली में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप आपका नेगेटिव गॉज प्रेशर माइनस कीजिए, यू विल गेट योर एब्सोल्यूट प्रेशर. तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट. और मैंने ये भी बताया है कि अगर कोई प्रेशर आपको ऊपर मिलता है, समझ गए, अगर आप देखिए यहां से लेकर तो यहां तक तो आपका 100 ही है, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया 10 हो गया, ये हो गया आपका 15, और ये आ गया आपका तो 20 आ गया. तो यहां से लेकर यहां तक कितना था, ये तो 100 तो यही तक था, तो 100 प्लस 20 इज योर 120 किलो पास्कल. यानी कि ये भी लिख सकते हैं दैट एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस योर पॉजिटिव, मैं पूरा ही लिखूंगा तो बेटर रहेगा, पॉजिटिव गॉज प्रेशर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप. मैंने दोनों टाइप के आंसर आपको दे दिए हैं, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. आई होप डेफिनेटली आपने लाइक किया होगा ये, और आप दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिएगा. अगर कोई भी कमेंट्स होंगे तो प्लीज मुझे जरूर लिखिएगा, डू राइट योर कमेंट, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.